नमस्कार दोस्तों, टोकोटेक में आपको स्वागत है। मैं हूँ संदीप। तो दोस्तों, निधि कंपनी को लेके काफ़ी क्वायरी आ रही है और दिन के दिन ये क्वायरी ज़्यादा भी हो रही है और साथ में काफ़ी लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि किसी का बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा, तो किसी को कोई गाइडलाइन मिल नहीं रही है, तो कोई कुछ कर डेली ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे आ ही रहे। और इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आती है, इसमें गलती किसकी है और आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम्स में अभी हम लोग देखेंगे इसमें और डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप निधि कंपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कंप्लाइंसेस देना चाहते हैं, ऑडिट देना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है निधि कंपनी के विषय में गाइडलाइन, निधि कंपनी को आपको जब स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, सब सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों आ रही है, गलती किसकी है, आपको क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन में। तो जब कभी भी हम लोग निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो हम लोग बहुत जगह अलग अलग टाइप से क्वायरी भी करते हैं कि कहाँ हमको 2 पैसे कम होंगे, कहाँ 2 पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो इस तरह की क्वायरी जो है हम अपने हिसाब से करते हैं। तो दोस्तों, एक बात आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ, आज भी बताता हूँ कि निधि कंपनी कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओ तो वैसे लोगों से करवाओ जो कि प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग केवल कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं और ऐसा। वो यहाँ प्रोफेशनल का मतलब मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग केवल निधि कंपनी का ही कैश कैश हैंडल कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर तो जो लोग निधि कंपनी का कैश कैश हैंडल कर रहे हैं तो उनको मालूम होता है कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उनको क्या रेट रखना है, उनको उसके बाद क्या करना है और आपको फायदे में चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों की गाइडलाइन जो है वो दे सकते हैं। अब ये एक बात ऐसी भी है कि गाइडलाइन क्या होती है, कभी भी मैं आप लोगों को यही बात बोलता हूँ कि दोस्तों, आप जो है कंपनी बना तो लेते हो और फिर नौबत ऐसी आ जाती है कि आपको मालूम नहीं चलता कि क्या करना है, लास्ट में कंडीशन में आप फंस जाते हो, कोई मदद करने वाला होता नहीं है। तो ये दोस्तों आपको एक प्रैक्टिकल भी बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने उतरे हो, कोई भी चीज़ का बिजनेस, तो एक बात आप जान लो, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे काम नहीं कर सकते। सम प्रॉब्लम यही है कि या तो आप सीखना नहीं चाहते हो या फिर अगर सीखने के लिए जो चीज़ें होती है वो आप करना नहीं चाहते हो। नतीजा होता है कि आपने 5 लाख तो आप दे सकते हो, कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन बाद में होता क्या है, जब आप फंसने लगते हो तो आप अपना दोष किसी दूसरे पे देने लगते हो कि मुझे गाइडलाइन नहीं दिया। मुझे कोई आपको गाइडलाइन क्यों देगा, ये बात बताओ आप पहले। आप पूछोगे तब तो कोई वो गाइडलाइन बताएगा। आपको अनुभव लेना है तो देखिए, अनुभव लेना है तो अगला बंदा भी जो है उस चीज़ को सुनेगा, तब वो आपको गाइडलाइन बता सकता है। हाँ, कोई आपके पीछे पीछे तो नहीं भागेगा ना। हाँ, कोई भी पीछे नहीं भागा। दूसरी बात क्या है, मैंने देखा है कि निधि कंपनी रजिस्टर करने के बाद जो रजिस्टर करता है उसके बाद वो क्या करता है, उस अगले बंदे को छोड़ देता है कि अब तू कंपनी चला जैसे चलाना है, मेरा तो काम हो गया, रजिस्ट्रेशन मैंने करवा दिया, अब मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ लोग कंपनी रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद जो बंदे की कंपनी है वो बेचारा इधर उधर ठोकर खाते रहता है, कोई कुछ उसको समझ में नहीं आता। तो ये काम आप पहले ही कर लो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से पहले, या तो आप पहले एकदम बिल्कुल ही इस बात को जान लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, यहाँ पास अगर आपने देखा होगा, अगर 100 कंपनियाँ निधि कंपनियाँ बनती हैं तो कम से कम 40-50 निधि कंपनियाँ बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, इसी कारण। मैं नहीं बोलता कि आप निधि कंपनी मत खोलो। देखो, एक एक आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो निधि कंपनी एक निधि कंपनी खोले, उसके बाद उनकी आज 4, 5, 6 और बहुत सारी कंपनियां उन्होंने वो बनाते गए। वो लोग पहली बार में दूसरी बार में हो सकता है कि उनको ठोकर मिला हो, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने सीखा, सीखने के बाद आज वो काफ़ी फायदे में अपने बिजनेस चला रहे हैं, एक कंपनी के बाद 2-3 कंपनी खोल रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी तो खोल ली अपने दिमाग लगा के कि चलो यहाँ पास रजिस्ट्रेशन कम लगता है, यहाँ ज़्यादा लगता है, तो हम उसके हिसाब से कर लिए। उसके बाद जब गाइडलाइन की बात आती है तो उनको वो अब वो भटक रहे हैं, भटकने के बाद अब उनको समझ नहीं आता है। उसके बाद जब आप इस चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कंप्लाइंसेस जो होते हैं ड्यू हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी ड्यू हो जाती है,
और उसके बाद होता क्या है, कंपनी बंद करने की नौबत आती है या फिर आपको उतने बहुत ज़्यादा पेनल्टी भरनी होती है जितना कि आपका ना ही बजट भी नहीं होता। तो आप बिल्कुल ऐसा काम ही क्यों करते हो दोस्तों, अगर सीखना सीख नहीं रहे हो तो फिर जरूरत ही नहीं कि आपको ये बिजनेस करने की, आप तो खुद भी अपना भी नाम डुबाओगे साथ में, और भी लोग जो निधि कंपनियाँ चला रहे हैं उनका भी नाम क्या होता है, खराब होता है। जब कभी भी एक निधि कंपनी बंद हो जाती है तो आप समझ लो कि अगर तो उस एरिया में किसी बंदे ने दूसरी कंपनी खोलने के भी सोचा है तो खोला भी है तो लोग क्या सोचेंगे कि ऐसी निधि कंपनी पहले बंद हुई थी अभी भी बंद हो सकती है। तो आप अपनी वजह से आने वाले जो फ्यूचर है, दूसरे लोगों का फ्यूचर आप क्यों बर्बाद करना चाहते हो आप, और इसमें गलती किसकी होती है, गलती बिल्कुल ही आपकी होती है। तीसरी चीज़ मैंने पहले ही बताया था सर्विसेज को लेके, दोस्तों निधि कंपनी में बहुत सारे सर्विसेज दे सकते हैं। मैंने कहा भी था कि एटीएम कार्ड का बात कहा था, मैंने एटीएम कार्ड भी लोगों को दिया है, मैं उसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है कि ऐसे प्रूफ दे के ये कहने का। मैं एक ही बात जानता हूँ कि जो सर्विसेज आप दोगे तो उससे फ़ायदा आप ही को होगा। आप कंपनी खोल के बंद करने की क्यों सोचते हो, और क्यों आप ऐसी गलती करते हो? आप प्रॉपर जानकारी लो, प्रॉपर जानकारी के लिए देखो, अगर कोई पेमेंट भी मांगता है तो उसमें दिक्कत आपको क्या होती है? आपको दिक्कत होती है क्या कि आपको लगता है कि मतलब हम सब कुछ फ्री में ही कॉस्ट में हमको मिल जाएगा? तो दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। आपने सुना भी नाम, आपने क्या नाम है, एकलव्य का नाम सुना भी होगा जिसको अंगूठा देना पड़ा था एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, और आपको जो जो कंपनी आपको रजिस्टर करके दे रही है फ्री में जानकारी दे रही है, उसको भी मालूम है कि आपको कहाँ तक फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। उसके बाद जो है जब आप फंस जाते हो तब आप आते हो प्रॉब्लम में, और तब आप आते हो कि मुझे ये चीज़ मालूम नहीं है, मेरी कंपनी को इतना लॉस हो गया। तो वैसा काम आप करते ही क्यों हो? आप देखो बिल्कुल ही प्रोफेशनल काम करो, कंपनी चलाओ, कंपनी को फायदे में कमाओ, उसकी जो कंप्लाइंसेस है, उसकी जो ऑडिटिंग है, उसकी जो चीज़ें हैं वो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो कि परफेक्ट हो, जो यही सब काम दिन भर करता हो। आप सोचते हो कि कहाँ 2 पैसा कम लगता है, कहाँ 2 पैसा ज़्यादा लगेगा, हम वहाँ बस काम करवाएंगे, नतीजा आपके सामने आ ही जाता है। तो ऐसा काम करो मत, अपनी भी कंपनी बंद मत करो, बहुत मेहनत होती है, बहुत लोगों का विश्वास होता है, विश्वास से जितना उसके बाद जब ऐसा होने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो और भी बातें हैं दोस्तों, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपनी भी कंपनी को बंद कभी मत करना, आपको अगर प्रॉब्लम ऐसा आ रही है आप बिल्कुल मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालूंगा और सॉल्यूशन आपको दूंगा भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर कोई भी बात होगी आप बिल्कुल ही व्हाट्सअप कर दीजिए। धन्यवाद।